दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अगर आप किसी को नमस्कार कर यह सोच रहे हैं कि वो भी आपको करेगा, तो वो नमस्कार करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार की वजह से किया जाता है, अहंकार की वजह से नहीं। प्रतिदिन हम सुप्रभात कहते हैं तो उसका यही आशय है कि मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन अपनेपन का एहसास प्रतिदिन महसूस होना चाहिए। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति की आदत थी, वह हमेशा सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब भला बुरा बोलकर या गाली से देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है, गालियां निकालता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार करते हो, ऐसा क्यों? तब उस नेक इंसान ने जवाब दिया कि जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? तो कभी भी दूसरों की बुराई को देखकर उस बुराई में लिप्त होने की या अपनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपनी जो अच्छाई है उसे मत भूलो, अपने अच्छे संस्कारों को भी नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है हमारी अच्छी आदतों से, हमारी अच्छी संगति से, हमारे अच्छे विचारों से किसी और का जीवन सुधर जाए। तो आप भी अपनी अच्छाई को कभी मत भूलें, दूसरों का भला करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।